मारूफ अदाकारा नाहिद शब्बीर अपनी जानदार अदाकारी और खूबसूरती की वजह से पाकिस्तान शोबिस पर राज कर चुकी हैं। नाहिद शब्बीर नवंबर 1973 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने अब्दुल्ला कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद निजी स्कूल में बतौर असातिज़ा अपने फ़राइज अंजाम दे रही थी कि इनकी किस्मत इन पर मेहरबान हो गई और यही वो दौर था जब इन्हें डायरेक्टर की तरफ से ड्रामों की ऑफ़र आई और इन्होंने अपने करियर की इब्तिदा सन 2000 में पीटीवी के ड्रामा सीरियल एक नए मोड़ से की। दम चलती रहो, बहती रहो हवा के साथ अपनी खुशबू में मगन। इनका अदाकारी का सफ़र खासा कामयाब रहा। अदाकारा को एक के बाद एक ड्रामा मिलने लगा जो सुपरहिट साबित हुआ। बैक टू बैक सुपरहिट ड्रामों ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इनके मशहूर ड्रामों में बेजुबान, मकान, ये भी किसी की बेटी है, चांद परोसा, पुल के उस पार, ख्वाब टूट जाते हैं शामिल है। अगर बात की जाए अदाकारा की निजी ज़िंदगी की तो ये अपनी चार बहनों में सबसे छोटी हैं। यही वजह है कि नाहिद ने अपनी अजवाज ज़िंदगी देर से शुरू की, क्योंकि ये चाहती थी कि इनकी बड़ी बहनों की शादी के बाद ही वो शादी करें। ज़िंदगी से लड़ने के लिए ये महाज भी सही। अदाकारा नाहिद शब्बीर दिसंबर 2019 में शादी के बंधन में बनी। ये इनकी दूसरी शादी है। अदाकारा पहली शादी 2010 में आमिर रज़ा नामी शख्स से कर चुकी हैं। अदाकारा ने कई बरसों से शोबिस से दूरी इख्तियार कर रखी है। शादी के बाद से इन्हें ना तो किसी ड्रामे में देखा गया और ना ही किसी इंटरव्यू में, और ना ही ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं।